जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज पूरे उधम सिंह नगर की नारी शक्ति यहाँ एकत्र हुई है। उस नारी भक्ति संदन कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अभी जिनको सुना, हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री के नाते उत्तराखंड राज्य की पैरोकारी करने वाले, यहाँ की वकालत करने वाले आदरणीय अजय भट्ट जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्रों, सैनिकों का क्षेत्रों, सभी में अपना योगदान करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रुद्रपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय तिलोक चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम सिंह राणा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भाई खिलिंदर चौधरी जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, कुमाऊं मंडल के आयुक्त श्री दीपक रावत जी, हमारे यहाँ के प्रभारी जनपद के भारतीय जनता पार्टी संगठन के श्री पुष्कर काला जी, अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में नए दायित्वों का जिन्होंने संभाला है, हमारे भाई आदरणीय उत्तम दत्ता जी, एस सी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी और आज के कार्यक्रम का संयोजन करने वाले हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, हमारे एसएसपी साहब, हमारे डीआईजी श्री डॉक्टर योगेंद्र रावत जी और उत्तराखंड कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे मेरे सभी माताएं और बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारी हैं, हमारे सभी मीडिया के बंधु, सभी पत्रकार छायाकार बंधु, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विभिन्न विभिन्न जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इस उधम सिंह नगर जनपद में एक लघु भारत बसता है और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा, जहां जनजाति समाज के लोगों ने वहां पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सब का स्वागत किया, हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया और इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए, अभी हमारे आरडी मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 80% यहाँ पर मातृशक्ति आई हुई है। मैं कह रहा था कि 80% नहीं, 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है और जितनी इस कार्यक्रम स्थल पर हैं, इस पार्क के अंदर हैं, इससे मैं समझता हूँ कम से कम 7-8 गुना ज्यादा लोग अभी इस पार्क और इस पार्क के आसपास हैं। मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ और आने वाले त्यौहार, हमारा पर्व उत्तरायणी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघी, अनेकों नामों से पूरे भारत के अंदर मनाया जाने वाला सूर्य नारायण को समर्पित भगवान सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की आप सबको अभी से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में आपके द्वारा
जो आशीर्वाद दिया गया, जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं आप सभी का, आप सब लोगों ने मेरा और जो मेरे सभी साथियों का, हमारे आरडी भट्ट जी का, गणेश जोशी जी का, हमारे विधायक जी का, सभी पदाधिकारियों का, सबका जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह से जो आशीर्वाद आप सब लोगों ने प्रदान किया, मैं भी आज आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं और हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैंने जिस प्रकार से देखा कि विभिन्न विभिन्न जो हमारे महिलाओं के द्वारा, हमारी माताओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यह कार्यक्रम जहाँ एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, विशेष कर से हमारी माताओं बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनकी आजीविका को खड़ा करना है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य यहाँ पर हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मातृशक्ति की जो प्रतिभा है एवं कौशल, ये सभी को परिचित करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। जब हम लोग वहां पर पूछ रहे थे, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, मिट्टी के खिलौने बना रहे हो, या रिंगाल से टोकरियां बनाने का काम कर रहे हो, या बुनाई का काम कर रहे हो, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 80 लोग समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 100 लोग जुड़े हुए हैं, कहीं 200 जुड़े हुए हैं, कहीं 500 और 700 लोग तक, और बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज हमारी माताएं बहनें इन समूह से जुड़कर स्वयं का जहां रोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, जो हमारा राज्य सन 2000 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी हम उनको अपने स्मरण से अलग नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश और देश का ख्याल रखती हैं। हमेशा अपना जो सर्वस्व होता है, जितना अधिक से अधिक परिश्रम होता है उस परिश्रम को लगाने का काम करते हैं। मेरा मानना है, चूंकि ये नारी भक्ति शक्ति बंधन महोत्सव, नारी सशक्तिकरण को समर्पित ये जो हमारा इस प्रकार के महोत्सव करने का उद्देश्य, इसके पीछे नारी शक्ति को आगे लाना है, क्योंकि मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने उत्तराखंड निर्माण के लिए जो संघर्ष किया था उस संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल, आप सब जानते हैं हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल आ रहा है, राम मंदिर आंदोलन में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आप सब लोगों ने भाग लिया, हमारी मातृशक्ति ने उसमें भाग लिया। मेरी प्यारी बहनों, आगामी 22 जनवरी को क्या है आप सभी को पता है ना, हम सब लोग गली गली में घूम घूम के उस समय जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जोर से बोलिए ना, पता है, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और भगवान राम लला वहां 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, अपना संघर्ष किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरेक देशवासी से, हरेक माता बहन से, हरेक नौजवान से, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों से जो अनुरोध किया है, जो अपील की है कि दीपोत्सव का पर्व मनाना है, उस पर्व को मनाने के लिए हरेक को जागरूक करने का काम भी हमारी बहनों ने करना है। 22 जनवरी को हर घर में दीप जले, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए,
क्योंकि ये घड़ी लंबे संघर्षों के बाद आई है, बरसों बरसों के बाद आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें हमेशा की भांति इस दीपोत्सव को भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाने का काम करेंगी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की शानदार जो तस्वीर है वह भी प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा का भी सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज गांव-गांव में जिस प्रकार से घर बन गए, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गए, शौचालय बन गए, गैस बिजली पानी जैसी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हर एक को जिसकी आवश्यकता है उनको देने का काम किया जा रहा है, उन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर आज पूरी संवेदनशीलता से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार काम कर रही है, आज देश भर में जितने स्वयं सहायता समूह इससे जुड़कर हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। और मैं अनेकों बार कहता हूं, जब मैं देखता हूं कि एक से एक सुंदर जो उत्पाद हैं हमारी बहनों के समूह के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा लोकल उत्पाद बनाए जाते हैं, वो उत्पाद कई बार, मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। मैं उन बहनों को सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। वर्तमान में पूरे देश के अंदर 70 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो स्वयं का भी रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनके लिए योजनाएं लाने का काम किया है, उससे स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनियां हैं या आप सबकी उपस्थिति है, ये इस बात को सिद्ध करता है। महिलाओं में रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस प्रकार से उन्होंने शुरू किया है, आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित करना हो, आजाद भारत के इतिहास में इतना सारा जो काम आज मातृशक्ति को समर्पित किया है, ये केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी जो कठिन परिस्थितियों में हमारी मातृशक्ति काम करती है, उनके जीवन को ऊपर उठाया जाए, उनको हर दृष्टि से मजबूत किया जाए, और हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उनको हर संभव आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। आज मैं देख रहा था हमारी मातृशक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में आगे काम कर रही है, पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आगे आ रही हैं। और हमने जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कर दिया, कानून बना दिया, आगे आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, हमने प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए 30% का आरक्षण हमारे विधानसभा में विधेयक लाकर पहले ही हमने पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, 30% सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ
अन्य योजनाएं जिसमें मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा मातृ वंदन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। मैंने जब से आप सबकी सेवा का ये दायित्व संभाला है, मेरा ये प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उनको बिना देरी से उठाए जाएं। चाहे आज भ्रष्टाचार को रोकना हो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर हर संभव हमने लगातार इस पर कार्रवाई की है। हम रुकने वाले भी नहीं है, हम झुकने वाले भी नहीं है, पीछे हटने वाले भी नहीं है। उत्तराखंड राज्य के हित में, हमारे प्रदेश के हित में जो भी निर्णय हमको लेने होंगे भाइयों बहनों, वो निर्णय लेने में हम तनिक सा भी हिचक नहीं करने वाले हैं, सीधे निर्णय लेने वाले हैं। हमने लगातार निर्णय लिए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले वर्षों के अंदर कई बार कठिन चुनौतियां पैदा हुई, कई बार मुश्किल हालात भी पैदा हुए, लेकिन आप सबका, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमने जो भी निर्णय देश राज्य के हित में लेने थे वो सभी निर्णय लिए हैं। उस पर हम निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए और बहुत सारे मामलों में अभी हमें निर्णय लेने हैं। हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी सबसे कठोर कानून हमने बनाया है। पहली बार प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, जो आप सब ने जिसके लिए हमें मैंडेट दिया था, आप सब ने हमें बहुमत दिया था, लगातार किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार सरकार में लाकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी जो पहला आप सबके समक्ष अपना संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए काम करेंगे, मुझे आप सबसे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने सारी जो रायशुमारी होती है रायशुमारी कर ली। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार ले लिए हैं, बुद्धिजीवियों से भी उनके परामर्श कर लिया है, विभिन्न विभिन्न जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं उनसे भी बात कर ली है और जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप उस कानून को लागू करने का काम करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने विकल्प रही संकल्प लिया है, उस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे काम हम यहाँ भी कर रहे हैं इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो नजूल की समस्या है उस नजूल की समस्या का भी हमने लगभग समाधान कर दिया है और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा कोई लाभार्थी होने वाली है तो हमारी माताएं बहनें उसके लिए लाभार्थी होने वाली हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले चाहे हमारे बंगाली समाज के लोग हों जिनके सर्टिफिकेट में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, उस पूर्वी पाकिस्तान को भी हटाने का काम आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आपकी सरकार आपकी हर वो काम को करने के लिए तैयार है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। ऐसे अनेकों कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों भी तमाम प्रकार से, जैसे हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस जिस दिन हमने यहाँ पर अपने बंगाली समाज के बीच में मनाया था, देहरादून में हमने जो पाकिस्तान से आए हुए पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के साथ यहाँ पर और पूरे उस समय जो लाहौर से लेकर रावलपिंडी और कराची तमाम शहरों से जो लोग आए थे, जिन्होंने उन विभीषिकाओं को नजदीक से जिनका सामना किया था, अपने पारिवारिक जनों को खोया था, उस जो यातनाओं को सहा था, उनके बीच में भी हमने तमाम प्रकार की घोषणाएं की थी। विभाजन विभीषिका के लिए स्थल बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। हम वह सब भी काम करने वाले हैं किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सारे लक्ष्य हमने लिए हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका जो सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, आपका समर्थन है जो हमेशा मिलता रहा है, और आज इतनी बड़ी संख्या में आकर आप लोगों ने हमें अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनकी अभी कोई कल्पना भी नहीं करता था, आज पूरी दुनिया के अंदर
जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की जो वैश्विक पहचान बढ़ रही है। भाइयों बहनों, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि उनके तीसरे टर्म में यानी कि तीसरे कार्यकाल में जब आप लोग अपने आशीर्वाद देकर उनको दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो तीसरी बार भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे अर्थशक्ति बनने वाला है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए भी हमको अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से जो एक उद्घोष किया था, वो उद्घोष हमेशा हमको कहीं ना कहीं उत्साह देने का काम करता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है कि हमको आगे बढ़ना है। और ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, वो उत्तराखंड का दशक बनाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन है। भाइयों बहनों, इस कथन की पूर्ति के लिए हमें अपने अपने जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक काम करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, तो कोई शक्ति हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मैं आज एक बार फिर से अपनी सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को प्रणाम करते हुए और आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।